हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू हॉल वीडियो। सो आज का हॉल होने वाला है अजियो से, और अजियो में ना अभी सेल स्टार्ट हो चुका है गाइस। इतने अच्छे डिस्काउंट मिल रहे हैं ना, 50-90% हर एक प्रोडक्ट में आपको डिस्काउंट मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अजियो से बॉटम वेयर्स के कलेक्शन। और ये बॉटम वेयर ना डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के पिक किए, इनमें से कुछ स्कर्ट है, कुछ रिलैक्स फिट ट्राउज़र है, कुछ फॉर्मल ट्राउज़र है, मीन्स डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के हैं, और कुछ टॉप्स भी मैंने पिक किए हैं। तो चलो वन बाय वन करके आपके साथ शेयर करती हूँ। और ये मैंने सारे तब पिक किए जब अजियो पे सेल नहीं चल रहा था, और अभी अजियो पे ना सेल चल रहा है, तो इतना अच्छा आपको डिस्काउंट मिल जाएंगे ना इन सारे प्रोडक्ट्स में। मैंने अभी इनका प्राइस रेंज भी चेक किया है, बहुत ही डिस्काउंट प्राइस में सारे चीज़ मिल रहे हैं, तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो वन बाय वन करके आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले ना मैं टॉप शेयर कर देती हूँ, इसके बाद में मैं बॉटम शेयर करूँगी। तो टॉप पे सबसे पहले मैंने ना ये वाला आपको दिखाती हूँ। ये बहुत ही सुंदर ना शर्ट मैंने पिक किया है, जॉर्जेट मटेरियल का, इतना सुंदर लगता है ना। ये आप कैजुअली या फॉर्मल भी पहन के जा सकते हो। तो इस शर्ट में आपको ऐसे पोलका डॉट पूरा मिल जाएगा, बहुत ही सुंदर शर्ट है। और इस शर्ट के साथ ना अंदर से इसके साथ इनर भी मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो इस शर्ट को ना मैंने एक फॉर्मल पैंट के साथ स्टाइल किया था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। आप इसे फॉर्मल कैजुअली कैसे भी पहन सकते हो, और इतना कम्फर्टेबल है ना, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का जॉर्जेट मटेरियल का। मेरे ख्याल से इसका जब प्राइस मैंने पिक किया था तो 700-800 के आसपास था, अभी मेरे ख्याल से इसमें डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, तो आप चेकआउट कर सकते हो। बहुत ही सुंदर शर्ट है। मैंने इसके साथ ना एक फॉर्मल ट्राउजर के साथ इसको स्टाइल किया था, जो कि आगे आपके साथ वीडियो में शेयर करूंगी। तो ये था इस वीडियो का फर्स्ट शर्ट। सेकंड जो मैंने पिक किया है ना गाइस, ये भी मैंने शर्ट ही पिक किया, शर्ट टाइप का टॉप है। इसका कलर देखो कितना सुंदर पिंक कलर है। इसका जो प्राइस था मेरे ख्याल से 300 के अराउंड था जब मैंने पिक किया था, अभी ये मेरे ख्याल से ना 200 या 250 के अराउंड इसका प्राइस हो चुका है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। इसका जो मटेरियल है ना, ये कॉटन मटेरियल का है। आप इस शर्ट का पैटर्न देखो कितना ज़्यादा सुंदर दिया हुआ है। इसमें आपको से 3-4 स्लीव्स मिलेगा, स्लीव्स में भी अगर देखोगे तो ऐसे नॉट बांधने के लिए दिया हुआ है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर शर्ट है। इसका एक्चुअल प्राइस 899 रुपीज़ है। साइज़ मैंने इसका स्मॉल पिक किया है, और इस शर्ट का भी साइज़ मैंने स्मॉल में ही पिक किया था। बहुत अच्छी फिटिंग मुझे हो रही थी, और इसकी भी फिटिंग मुझे बहुत ही ज़्यादा परफेक्टली हो रही थी। तो ये कैजुअल या फिर फॉर्मल आप दोनों में स्टाइल कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा सुंदर शर्ट है। इस शर्ट को मैंने जिस बॉटम के साथ स्टाइल किया है वो आगे वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। इस शर्ट में अगर आप देखोगे पास है, तो इसमें व्हाइट कलर से चेक चेक टाइप का पैटर्न बना हुआ है। फ्रंट में ऐसे बटन्स मिल जाएंगे, बटन ओपन भी आप कर सकते हो। इसका जो नेक का पैटर्न है ना, स्लीव्स में अगर आप देखोगे बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिया हुआ है, सी थ्रू बिल्कुल भी नहीं है, कम्फर्टेबल बहुत है, अब बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस का है। तो ये था इस वीडियो का सेकेंड। थर्ड जो मैंने पिक किया ना गाइस, ये ब्लैक कलर का बेसिक टॉप पिक किया है, और इसकी क्वालिटी ना, जैसे अगर आप H&M से टॉप पिक करते हो ना, उसकी क्वालिटी कुछ उस टाइप की ही है। इतनी ज़्यादा सॉफ्ट और इतनी अच्छी क्वालिटी का रिब्ड मटेरियल है ना, बहुत ज़्यादा सुंदर है। इसका प्राइस भी बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, मेरे ख्याल से मैंने 300 में पिक किया था, और इतनी अच्छी क्वालिटी के साथ मुझे रिसीव हुआ है ना। आप देखो इसका पैटर्न आपको कुछ इस टाइप्स का मिल जाएगा। इसका जो एक्चुअल प्राइस है 599 रुपीज़ का था, लेकिन मुझे मेरे ख्याल से 300 के अराउंड मुझे पड़ा था। साइज़ इसका मैंने स्मॉल पिक किया है, और ये टॉप इतना ज़्यादा सुंदर है ना, मैंने इस टॉप को ना डिफरेंट डिफरेंट बॉटम के साथ पेयर किया है, इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था ना। इस प्राइस रेंज में इतनी अच्छी क्वालिटी के साथ ये वाला टॉप मिल रहा है ना, तो डेफिनेटली आप पिक कर सकते हो। अगर आप वन शोल्डर नहीं पहनते हो तो ऊपर से शर्ट या शर्ट डाल सकते हो, बहुत ही ज़्यादा सुंदर टॉप है। तो ये था थर्ड। तो गाइस अब मैं बॉटम वियर आपके साथ शेयर करूँगी। टॉप्स मैंने सिर्फ 3 ही पिक किए थे, जो कि आपके साथ शेयर कर दी हूँ, और ये सारे टॉप पर जो मैंने बॉटम वियर पिक किए हैं ना, इनके साथ ही स्टाइल किया है। तो सबसे पहले मैं स्कर्ट शेयर कर देती हूँ। तो कॉटन मटेरियल का मैंने बहुत ही सुंदर प्रिंट में स्कर्ट पिक किया है। इसका फ्लेयर ना इतना ज़्यादा सुंदर है ना, इसका फ्लेयर अगर आप ट्राई ऑन में देखोगे तो आपको पता चलेगा। लेंथ भी मुझे एकदम परफेक्ट हो रही थी। मेरी जो हाइट है 5'3" है, और 5'3" अगर आपकी हाइट है ना, एकदम परफेक्ट लेंथ के साथ होगा, सी थ्रू भी नहीं है। तो ये स्कर्ट में अगर देखोगे तो आपको ऐसे इलास्टिक किट मिलेगा। इसका प्रिंट आप देखो पास है, कितना ज़्यादा सुंदर है। ये ना प्योर कॉटन मटेरियल का स्कर्ट मैंने पिक किया है, बहुत ही ज़्यादा है। और समर में ना स्कर्ट हम जनरली प्रेफर भी करते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ब्रीदेबल भी होता है और बहुत इजी ब्रीजी टाइप का होता है, ज़्यादा आपको स्टाइल करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। नीचे जो आपको दिया हुआ है ना, ऐसे पॉपअप मिल जाएंगे स्कर्ट में, बाकी वाले स्कर्ट इतना ज़्यादा सुंदर है ना। मैंने इसे रेड कलर के टॉप के साथ पेयर किया था, जो मैंने ऑलरेडी पहना हुआ है, और ऑक्सीडाइज ज्वेलरी डाल ली थी। इतना ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहा था ना ये वाला स्कर्ट इस टॉप के साथ, और ज्वेलरी के साथ बहुत ज़्यादा मैच कर रहा था। तो ये वाला स्कर्ट भी मेरे साइड से हाईली रिकमेंड है, और इसका जो प्राइस मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी। मेरे ख्याल से अभी और
और अच्छा डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा इस स्कर्ट में। बहुत ज़्यादा सुंदर प्रिंट का स्कर्ट है, तो मेरे साइड से ना ये वाला स्कर्ट हाईली हाईली रिकमेंड है, आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। और समर के टाइम पर हम स्कर्ट प्रेफर भी करते हैं। तो ये था इस वीडियो का फर्स्ट स्कर्ट। सेकेंड जो मैंने पिक किया है ना गाइस, ये भी कॉटन मटेरियल का ब्लैक कलर का स्कर्ट पिक किया है। इसका प्रिंट आप देखो कितना ज़्यादा सुंदर प्रिंट है। इसका जो लेंथ है ये पूरा फुल लेंथ का है, हाई वेस्ट का स्कर्ट है। तो अगर आप इसमें फ्रंट में देखोगे ना तो आपको ऐसा सेमी इलास्टिक के टाइप का मिलेगा। इसका जो एक्चुअल प्राइस है 1999 रुपीज़ का है, और जिस प्राइस में मैंने पिक किया आपको स्क्रीन पर मैंशन कर दूंगी। बाकी पूरे स्कर्ट देखो गाइस, इतना ज़्यादा सुंदर ये वाला स्कर्ट है ना। और इस स्कर्ट के साइड में अगर आप देखोगे ना तो स्लिट मिल जाएगा, इतना ज़्यादा सुंदर लगता है ना पहनने पर। इसे भी है ना ब्लैक कलर के टॉप के साथ पेयर किया था ये वाले स्कर्ट को, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। वो वाला टॉप मैंने मीशो से लिया था, इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था ना ब्लैक कलर के टॉप के साथ। आप चाहो तो ना बेज कलर के टॉप के साथ भी पेयर करके पहन सकते हो, काफ़ी अच्छा लगेगा। और ये भी प्योर कॉटन मटेरियल का है, तो ये भी आप पिक कर सकते हो। साइज मैंने इसका स्मॉल परचेस किया है, बहुत अच्छी फिटिंग भी हो रही थी, और इस स्कर्ट का प्रिंट ना मुझे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था, तो मैंने ये वाला स्कर्ट पिक किया है। तो ये था इस वीडियो का सेकेंड स्कर्ट। थर्ड जो मैंने पिक किया ना गाइस, ये मैंने प्लीटेड स्कर्ट पिक किया है। इस टाइप का प्रिंट आप काफ़ी देखे होंगे, मैंने इंस्टा पे बहुत लोगों को देखा इस टाइप के स्कर्ट, बहुत ज़्यादा सुंदर है, फिटिंग भी मुझे एकदम परफेक्टली हो रही थी। तो इसमें अगर आप देखोगे तो साइज़ मैंने इसका 28 पिक किया है, और आपको ऐसा पूरा ऐसे इलास्टिक किट मिलेगा। इसका प्रिंट देखो आप, कितना ज़्यादा सुंदर प्रिंट दिया हुआ है। इसका जो लेंथ है ना आपको ट्राई ऑन में अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और इसमें काफ़ी अच्छे से ना अच्छे तरीके से प्लीट भी बना हुआ है। तो ये वाले स्कर्ट को मैंने ना ये वाले ब्लैक कलर के टॉप के साथ पेयर किया था, इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था नई वाले टॉप के साथ। आप चाहो तो फुल स्लीव्स का टॉप भी पेयर कर सकते हो, या फिर वन शोल्डर के टॉप के साथ अगर आप पेयर करोगे ना बहुत ही एलिगेंट लगता है। तो मेरे साइड से ये वाला स्कर्ट और ये वाला टॉप ना हाईली रिकमेंड है, और इस स्कर्ट के साथ अगर आप पेयर करके पहनोगे ना बहुत ही स्मार्ट लगेगा, काफ़ी एलिगेंट लगेगा, और ब्लैक कलर का फुटवेयर डाले ना बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो ये था इस वीडियो का थर्ड स्कर्ट जो मैंने पिक किया है। अब आते हैं ट्राउजर जो मैंने पिक किए हैं। तो गाइस, मैंने जो सबसे फर्स्ट ट्राउजर पिक किया है ना, ये ग्रे कलर में रिलैक्स फिट ट्राउजर पिक किया है। इस ट्राउजर की फिटिंग मुझे इतनी अच्छी हो रही थी ना, इस ट्राउजर का जो लेंथ है ना मेरे हाइट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा लंबा मुझे हो रहा था, लेकिन अगर आप नीचे से फोल्ड करके या फिर लंबा ही पहनो तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। तो ये ग्रे कलर का ट्राउजर मैंने पिक किया, देख सकते हो। इस ट्राउजर का जो मटेरियल है ना बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, दोनों साइड आपको पॉकेट मिल जाएगा। और इस टाइप के जो ट्राउजर होते हैं ना, आप चाहो तो घर पर रेगुलर भी वेयर कर सकते हो, कैजुअली भी बाहर जा रहे हो, या फिर ट्रेवल के टाइम भी ये वाला ना ट्राउजर आपके पास होना ही चाहिए। और ये वाला कलर देखो आप, कितना ज़्यादा सुंदर कलर है इसका। तो ये वाले कलर मैंने पिक किया, और इसकी क्वालिटी ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इसकी जो अजियो में रेटिंग थी ना तो वो 2.9 स्टार ऐसा करके कुछ था, लेकिन मैंने फिर भी पिक किया और क्वालिटी मुझे इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। इसका जो मटेरियल है ना काफ़ी लाइट वेट है, और इस टाइप का ट्राउजर आप घर पर रेगुलर ईजिली वेयर कर सकते हो, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। तो इसके साथ मैंने ब्लैक कलर के टॉप के साथ इसको पेयर करके पहना है, आप देख सकते हो ट्राई ऑन में। तो ये था इस वीडियो का फर्स्ट ट्राउजर जो मैंने पिक किया है। सेकंड जो मैंने पिक किया है ना गाइस, ये ना मैंने ऑलिव ग्रीन कलर में ये वाला ट्राउजर पिक किया है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी में मुझे रिसीव हुआ सीरियसली। और अभी मैंने इसका प्राइस चेक किया था ना, ये मेरे ख्याल से 500 के अराउंड था, और जब मैंने इसे पिक किया था तो ये 600 के आसपास था। तो अभी अच्छा खासा इसमें ऑफ आपको मिल जाएगा अगर आप पिक करते हो तो, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। तो इसे आप फॉर्मल कैजुअली कैसे भी इसको पहन सकते हो। तो इस ट्राउजर का अगर फ्रंट में देखोगे ना आपको हल्का सा प्लीट मिल जाएगा, दोनों साइड बटन लगे हुए, सेमी इलास्टिकेट ट्राउजर है। बैक में आपको ऐसे इलास्टिकेट मिलेगा। साइज मैंने इसका 28 पिक किया है, बहुत ही अच्छी मुझे फिटिंग भी हो रही थी। तो इस ट्राउजर को मैंने ना ब्लैक कलर के टॉप के साथ पेयर किया, जो वन शोल्डर टॉप मैंने पिक किया है ना ब्लैक कलर का, उसके साथ। आप मल्टी वे में भी स्टाइल कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा सुंदर और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। इसका कलर भी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, क्वालिटी तो इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। इस ट्राउजर के दोनों साइड अगर आप देखोगे ना आपको ऐसे पॉकेट मिल जाएगा, काफ़ी डीप पॉकेट दिया हुआ है, और इतनी अच्छी फिटिंग मुझे हो रही थी ना, तो ये वाला ट्राउजर मेरे साइड से तो हाईली रिकमेंड है। इसको आप जरूर ट्राई करके देखना, ये दोनों में काम आने वाला। अगर आप ऑफिस जाते हो या फिर कॉलेज जाते हो या फिर कैजुअली बाहर जाते हो तो ये मस्ट हैव ट्राउजर है, डेफिनेटली आप ट्राई करके देख सकते हो। नेक्स्ट मैं शेयर करती हूँ, नेक्स्ट जो मैंने पिक किया है ना गाइस, ये ब्लैक कलर का मैंने ट्राउजर पिक किया है। इसका नीचे से ना अगर आप देखोगे ना तो बूट कट पैटर्न का ये वाला ट्राउजर है। इसकी भी फिटिंग मुझे एकदम परफेक्टली हो रही थी। इसका प्राइस थोड़ा सा हाई है, मेरे ख्याल से 1500 के आसपास है, लेकिन ये ब्रांडेड ट्राउजर है। तो इसका अगर आप देखोगे ना तो नीचे से आपको ऐसे बूट कट टाइप का पैटर्न मिलेगा, और अगर आप पास से देखोगे तो पर्पल कलर से इसमें ना ऐसे प्रिंट बना हुआ है, देख सकते हो, और बहुत ही अच्छा लगता है पहनने पे। तो ये पूरा फॉर्मल ट्राउज़र है, आप अपने वर्क प्लेस पे पहन के जा सकते हो। काफ़ी डिफरेंट टाइप का पैटर्न भी है, और साइड में ना इस ट्राउज़र के ऐसा जिप भी दिया हुआ है, और इसका फिटिंग मुझे एकदम परफेक्टली हो रही थी।
इस ट्राउजर का साइज मैंने 28 पिक किया है। इस ट्राउजर को ना मैंने ये ब्लैक कलर के ना शर्ट के साथ पेयर किया था, इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था ना, पूरा फॉर्मल लुक भी लग रहा था। आप इस शर्ट को ऐसे कैजुअली भी वेयर कर सकते हो और फॉर्मल में भी वेयर कर सकते हो। और ये वाला ट्राउजर गाइस हर एक कलर के शर्ट के साथ ना बहुत अच्छा चला जाएगा। ट्राउजर को ना अगर आप वर्किंग वूमन हो या फिर किसी फॉर्मल इवेंट्स में जाना है तो आप पिक कर सकते हो, और काफ़ी स्टाइलिश भी लगता है, ब्लेजर के साथ भी कर सकते हो, बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। और क्वालिटी इसकी ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, आप देख सकते हो जो मैंने पहना हुआ है बहुत ही सुपर क्वालिटी है इसकी। प्राइस बस इसका थोड़ा सा हाई है, लेकिन उसके हिसाब से इसकी क्वालिटी भी है। तो इस ट्राउजर को भी ना आप पिक कर सकते हो अगर आपको कुछ डिफरेंट टाइप का फॉर्मल ट्राउजर चाहिए ना, क्योंकि इसका जो शेप है ना नीचे से बूट कट टाइप का है तो बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट जो मैंने पिक किया ट्राउजर ना गाइस, ये मैंने कुछ इस कलर में पिक किया, देख सकते हो, और इसकी भी क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी है ना। इसका जो पैटर्न है ये कोरियन पैंट टाइप का पैटर्न दिया हुआ है, तो इस टाइप का ट्राउजर आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो इसे आप कैजुअली पहन सकते हो, ऑफिस में पहन सकते हो, फ्रंट में देखोगे ना जैसे प्लीट बना हुआ है, साइड में दोनों पॉकेट मिल जाएगा ट्राउजर के, और बैक में ना आपको पॉकेट का ऐसा डिजाइन बना हुआ मिलेगा, लेकिन पॉकेट नहीं दिया हुआ है। और बहुत ही अच्छी फिटिंग मुझे हुई है, साइज मैंने इसका 28 पिक किया है, इतनी परफेक्ट फिटिंग एंड परफेक्ट लेंथ भी दिया हुआ है इस ट्राउजर का। इस ट्राउजर को ना मैंने इस पिंक कलर के टॉप के साथ पहना था, इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था ना, पूरा फॉर्मल लुक लग रहा था। तो इसे आप कैजुअली भी पहन सकते हो, फॉर्मली भी पहन सकते हो, काफ़ी अच्छा लगने वाला है। ब्लैक एंड व्हाइट कलर के शर्ट के साथ भी अच्छा चला जाएगा, बहुत ही अच्छा ट्राउजर है, लेंथ भी मुझे एकदम परफेक्ट हो रहा था। ये ना वाइट लेग पैटर्न का ट्राउजर है, इसका जो ब्रांड है ना ये ब्रोस्टर ब्रांड का कुछ करके है, और फर्स्ट टाइम मैंने इस ब्रांड का पिक किया और काफ़ी अच्छी क्वालिटी में मुझे रिसीव हुआ है। फिटिंग मुझे एकदम परफेक्टली हो रही थी, क्वालिटी भी इसकी ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो प्राइस मैंने जब पिक किया था ना इसको तो मेरे ख्याल से 1000 के अराउंड था, और अभी इसका प्राइस ड्रॉप हो चुका है, मेरे ख्याल से 700 या 800 हो चुका है। अच्छा खासा इसमें ना ऑफ चल रहा है, तो आप पिक कर सकते हो, अदरवाइज ये वाला कलर आप ट्राई कर सकते हो, बहुत ही सुंदर कलर है। नेक्स्ट जो मैंने पिक किया है ना गाइस, ये भी ना ग्रे कलर के में पिक किया है, लेकिन इसका ना थोड़ा सा लाइट टाइप का ग्रे कलर है, बहुत ही सुंदर है, इसकी भी क्वालिटी ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो इसको भी जब मैंने पिक किया था तब मेरे ख्याल से इसका प्राइस थोड़ा सा हाई था, अभी इसका प्राइस ड्रॉप हो चुका है। तो अगर आप ये देखोगे ना, ये कोरियन टाइप का ट्राउजर है, कोरियन पैटर्न का, तो फ्रंट में आपको ऐसा प्लीटेड टाइप का मिलेगा, और साइज मैंने इसका 28 पिक किया है। जनरली जो मेरा वेस्ट का साइज है वो 28 है, इसलिए मैं सारे बॉटम वेयर 28 में ही पिक करती हूँ। और बैक में आपको अगर आप देखोगे तो ऐसे पॉकेट मिल जाएगा, साइड में भी आपको है ना दोनों साइड ऐसे पॉकेट मिल जाएगा ट्राउजर के, आप इसे फॉर्मली कैजुअली कैसे भी पहन सकते हो। लेंथ भी मुझे एकदम परफेक्ट हो रहा था, तो स्ट्रेट शेप का ये वाला ट्राउजर है, कोरियन पैटर्न टाइप का है, आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। कलर मुझे इसका ना बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था, मैंने इस ट्राउजर को ना व्हाइट कलर के शर्ट के साथ पेयर किया था, वो वाला शर्ट भी मैंने अजियो से ही परचेस किया था लास्ट ईयर आई थिंक, तो इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था ना ये इस शर्ट के साथ। आप चाहो तो ब्लैक कलर के शर्ट के साथ या फिर कैजुअली टॉप के साथ भी इसे वेयर कर सकते हो, ब्रालेट टॉप के साथ भी कर सकते हो, बहुत सुंदर लगेगा। मल्टी वे में इस ट्राउजर को आप स्टाइल कर सकते हो, कलर भी इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आपको थोड़ा सा ना ग्रे ग्रे में कन्फ्यूज होगा, तो ये ना डिफरेंट टाइप का ग्रे कलर है, स्लेटी टाइप का आप कह सकते हो, और इसका जो कलर है ना ये डिफरेंट टाइप का है, क्वालिटी इसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो ये नेक्स्ट मैं शेयर करती हूँ, नेक्स्ट जो मैंने पिक किया है ना गाइस, ये भी ग्रे टाइप का कलर है, लेकिन ये दोनों का शेड अगर आप देखोगे ना तो ये कुछ ज़्यादा लाइट है, ये थोड़ा सा डार्क टाइप का है, और पैटर्न दोनों का पूरा डिफरेंट है। तो ये इसका जो पैटर्न है टोटली डिफरेंट है, ये वाला मैं शेयर करती हूँ। तो ये भी ना फॉर्मल ट्राउजर है, तो इस ट्राउजर के फ्रंट में अगर आप देखोगे ना तो आपको ऐसा पूरा फ्लैट टाइप का मिलेगा, और इसका जो लेंथ है ना ये मुझे एकदम परफेक्ट हो रहा था, बहुत ही सुंदर कलर है। इसे मैंने आई थिंक ब्लैक या फिर व्हाइट कलर के शर्ट के साथ वेयर किया था, बहुत अच्छा लग रहा था। इसके साथ ब्लैक कलर भी बहुत अच्छा लगेगा, व्हाइट कलर भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। फ्रंट का इसका जो मेरे को पैटर्न लगा ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा, और इस टाइप का मैंने ट्राउजर देखा है H&M ज़ारा में, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली प्राइस का रहता है, 3 या 4000 के अराउंड रहता है, और आपको इतनी अच्छी क्वालिटी में ये 700 to 800 के प्राइस के रेंज में ना अजियो पे मिल रहा है, आप परचेस कर सकते हो। ट्राउजर के साइड में अगर आप देखो ना ऐसा जिप मिल जाएगा, काफ़ी स्मूथ टाइप का जिप दिया हुआ है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। फिटिंग मुझे एकदम परफेक्टली हो रही थी, और कलर भी मुझे इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो अगर आप रेगुलर अपने वर्क प्लेस पे जाते हो तो ये वाला ट्राउजर आप रेगुलर पहन सकते हो, बहुत ही ज़्यादा सुंदर एंड स्मार्ट लुक देगा। तो डिफरेंट डिफरेंट कलर के टॉप के साथ शर्ट के साथ आप इसे वेयर कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी भी है एंड काफ़ी अच्छे कलर में मैंने पिक किया है। तो इस वीडियो को जो लास्ट मैंने पिक किया है ना गाइस, ये भी ग्रे कलर में है, लेकिन ये ना काफ़ी रिलैक्स फिट ट्राउजर मैंने पिक किया, और ये वाला ट्राउजर को आप कैजुअली या फिर घर पे रेगुलर वेयर कर सकते हो। स्पेशली अगर आप ट्रैवल कर रहे हो कुछ इस टाइप का, कुछ लूज फिट या फिर रिलैक्स फिट ट्राउजर सर्च कर रहे हो तो ये एकदम बेस्ट ऑप्शन है, सीरियसली। इसकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा सुपर है ना, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, काफ़ी सॉफ्ट है, काफ़ी ब्रीदेबल है। तो इसमें भी मैंने 28 साइज पिक किया हुआ है, तो इसमें पूरा सा इलास्टिक किट मिलेगा, और ग्रे कलर का मैंने पिक किया है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो ऐसे वाइड लेग पैटर्न का ये वाला रिलैक्स फिट ट्राउजर आपको
मिलेगा। लेंथ मुझे एकदम परफेक्ट हो रहा था। मैंने इसे ब्लैक कलर के हुडी टॉप के साथ पेयर किया था, बहुत अच्छा लग रहा था। आप इसे कैजुअली भी बना सकते हो, ट्रैवल में जा रहे हो तो भी इसके साथ टॉप डाल लिया वाइट कलर का या फिर ब्लैक कलर का, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। घर पर भी आप इसे रेगुलर वेयर कर सकते हो, मतलब आपकी जैसी मर्जी आप उसे ऐसा स्टाइल कर सकते हो। बहुत ही अच्छा है, काफ़ी रिलैक्स फिट है और मुझे इसकी क्वालिटी ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। तो वैसे मैंने ग्रे ग्रे के शेड में ना 3-4 टाइप के ट्राउजर पिक किए हैं, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न के किए हैं। जैसे ये रिलैक्स फिट हो गया, ये फॉर्मल हो गया, और आप कंफ्यूज मत होना क्योंकि सबका पैटर्न एंड स्टाइल करने का तरीका डिफरेंट डिफरेंट है। तो ये रिलैक्स फिट ट्राउजर मैंने पिक किया, इसका प्राइस मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी। लेकिन गाइस इतना ज़्यादा रिलैक्स फिट है ना, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, काफ़ी लूज फिट टाइप का पैटर्न है। तो गाइस लगभग मैंने ना सारे बॉटम वेयर आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर दिए हैं। होप कि मेरे बॉटम वेयर के कलेक्शन आपको अच्छे लगे होंगे। मैंने डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न के बॉटम वेयर पिक किए थे, कुछ इसमें फॉर्मल थे, कुछ रिलैक्स फिट थे, कुछ इसमें स्कर्ट थे। टॉप भी जो मैंने पिक किया था आपके साथ शेयर कर दिए हैं, और इनमें बहुत अच्छा ऑफ मिल रहा है तो आप डेफिनेटली पिक कर सकते हो। अजियो में अभी सेल भी चल रहा है। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंट हॉल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।